तो संडे तो है ही, लेकिन साथ में साफ सफाई भी करनी है, तो मैं खुद से सफाई करती हूँ। तो मैंने एक दिन फिक्स किया हुआ है कि मैं संडे के संडे, जिस दिन घर में जैसे कि मतलब सब लोग रहें तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो क्लीनिंग जो है मैं खुद करती हूँ। तो क्लीनिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने, जैसे ग्रास बिछाया हुआ है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। संडे के संडे थोड़े बहुत जो पत्ते वत्ते गिरे होते हैं वो सब मैं उठा लेती हूँ। और यहाँ पर जैसे कभी ज़रूरत लगी, बारिश वारिश होती है तो फिर पोछा या पानी डाल के सफाई कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी मेड आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेड कहते हैं ना भाव दिखाती हैं, तो आप खुद से काम करना सीखिए। और ये मतलब आप जब प्लान कर लेंगे ना कि मुझे ऐसे करना है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यकीन मानिए मेरा काम अब इतना हल्का हो गया है। मैंने मेड क्लीनिंग के लिए नहीं रखा हुआ है, बाकी बर्तन के लिए मैंने रखा हुआ है, क्योंकि बर्तन मैं नहीं कर पाती हूँ इतना ज़्यादा। और यहाँ पर मैं जैसे रेलिंग वगैरह है उन सबको मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, जैसे पोछा लगा दिया, तो ये मतलब मुश्किल से 10 मिनट का काम होता है, तो फटाफट हो जाता है। ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं बिना मेड अपने पूरे 3 BHK फ्लैट की सफाई कैसे करती हूँ, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा नहीं करती, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा करना मेरे बस का नहीं है। मैंने एक ख़रीदी हुई है वैक्यूम क्लीनर, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने लिया हुआ है और बहुत कम यूज़ करती हूँ। वैसे मतलब मैं ज़्यादातर जैसे वो हमारी पोछे के लिए जो आती है ना, वही मैं यूज़ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि मुझे जैसे लगा कि मैं इसका यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कई सारी चीज़ें ले लेते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं करते, बिल्कुल उसको पैकेट में बंद करके रख देते हैं। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है, वैसे तो ये थोड़ा सा भारी है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए थोड़ा भारी है, लेकिन मैं इसे सिर्फ संडे के संडे लगाती हूँ, क्योंकि हमारे जो फ्लैट में मतलब फ्लोरिंग है वो वुडन की है। सिर्फ एक ड्राइंग रूम में सिर्फ हमारी टाइल्स लगी हुई है वाइट कलर की, बाकी रूम में क्या है कि वुडन की फ्लोरिंग है। और उस पे क्लीनिंग पानी से करना वो थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है, क्योंकि उसको गलने का भी डर है। तो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर निकाला और तकरीबन 1-2 महीने से मैं इसी से कर रही हूँ। लेकिन मैं रोज़ नहीं करती हूँ, हर संडे के संडे एक दिन फिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ये दरी वगैरह है वो करती हूँ, जितने भी कालीन है वो। और आपको मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जितनी आप साफ़ सफाई आपकी मेड नहीं करेगी, आपने किसी को हेल्पर को रखा हुआ है वो करेंगे, उससे ज़्यादा इस वैक्यूम क्लीनर से हो जाता है। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा जैसे ये पकड़ता है ना, तो हो सकता है मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है उसमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। बाकी मैं इतना नहीं दिक्कत होता तो मेरे हस्बैंड आके मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है यहाँ पे। बेटी होती है तो फिर वो फटाफट एक तरफ़ से पकड़ती है, दूसरी तरफ से मैं इसको चला देती हूँ। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं 3 BHK की सफाई में। ज़्यादा मतलब आपको ये भी नहीं लगेगा कि बहुत भारी काम है। दरियाँ जितनी होती हैं, जितने भी कालीन होते हैं, चकाचक हो जाते हैं। और बार बार इसको झाड़ना उठाना सफाई करना सबके बस की बात नहीं है, और रोज़ रोज़ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं तो इतना टाइम भी नहीं होता कि किसी हेल्पर को रखूं और उसके पीछे पीछे भागूं। तो अगर आपकी भी मतलब हेल्पर आपको परेशान कर रही है तो आप एक ये ख़रीद लें। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, और बस चलाना थोड़ा सा सीखें और उसके बाद करें। मुझे भी चलाना नहीं आता था, मैं तो अभी भी जैसे इसको सेट करने लगती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे सीख जाती हूँ, मतलब कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, हर चीज़ सीखने से होता है, करने से होता है। और मुझे अब ये ज़्यादा आसान लगता है, एक ही दिन में कोने कोने की सफाई हो जाती है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आपके चेहरे से ज़्यादा आपका घर चमकेगा कुछ इस टाइप का, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है, मतलब फ़र्श एकदम चमक जाता है। हो सकता है वीडियो में इतना नहीं दिखे और मैं एकदम पीछे पीछे आ रही हूँ, मेरे लिए कैमरा को सेट करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी भारी है। तो मैं पूरे घर का तो नहीं दिखा पाऊँगी, बस एक रूम का दिखा देती हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे मतलब भागम भागी सी हो गई थी और बार बार कैमरा नहीं सेट कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने कैमरा नहीं लगाया। लेकिन हाँ, एक रूम में मैंने आपको करते हुए दिखा दिया। उसके बाद सारे पर्दे वर्दे जो मोड़ के रखे थे, बस इसमें यह है कि सारा सामान
सामान आप थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाने वाला कोई हो वो कर दे तो फटाफट हो जाता है। पर्दे वगैरह को पहले से ही मोड़ के रख लें। अच्छा आज ना मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी टहलने के लिए, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ कि जो पूरे घर की मैंने सफाई करी है तो इसमें से कूड़ा कितना निकला है। तो अगर आपके पास भी वैक्यूम क्लीनर है ना तो ज़रूर इसका यूज़ कीजिए। इससे आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, समय भी बचता है और पैसा भी बचता है और थोड़ी सी अपनी भी मतलब भागम भागी हो जाती है तो थोड़ा बॉडी भी फिट रहता है, कहने का मतलब। तो चलिए, और ज़्यादातर काम मतलब जितना कर पाएँ उतना कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी और मुझे डॉक्टर ने मना भी किया था कि कुछ भी भारी काम नहीं करना आपको। तो चलिए अब तो मैं करने लायक हो गई हूँ, फिट हूँ और आपको करके दिखा रही हूँ। तो बस इसमें से देखिए मैंने कूड़ा निकाला और देख सकते हैं कि कितना कूड़ा निकला है। एक एक चीज़ इसके अंदर आ जाती है और इसके अंदर एक और पाइप दिया हुआ है पतला सा, तो उसके सहारे आप जितने भी कोने कोने की चीज़ होती है ना वो भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सभी सामान को सेट किया क्योंकि मैं थोड़ा प्लान कर रही हूँ बाहर घूमने का, और जब भी सफाई करती हूँ ना तो मैं डस्टिंग उसके बाद ही करती हूँ। तो अगर आप लोग भी डस्टिंग पहले कर लेते हो ना तो प्लीज़ डस्टिंग मत कीजिएगा पहले। उससे क्या होता है ना कि जब झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर से उसमें कूड़ा जो है ना सारी चीज़ों के ऊपर आ जाता है। तो अगर आप झाड़ू पोछा करने के बाद अगर डस्टिंग करते हैं ना तो आपका घर एकदम ही क्लीन रहेगा। तो ऐसा करके देखिए, बहुत साफ़ सुथरा घर रहता है। पूरे 8-10 दिन के लिए आपको कोई भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लीनिंग की टिप्स आपको मैं मतलब बता दिया है, आप लोग ऐसे कीजिए। अगर नहीं है आपके पास वैक्यूम क्लीनर तो आप ले लें या फिर दूसरे भी किसी चीज़ से सफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर से ही करें, सबके बस की बात नहीं होती है या सब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। और आज है संडे की सुबह है मतलब, और मेरा मन किया कि मैं आज बाहर जाऊं क्योंकि आप लोगों को सिर्फ घर की चीज़ें मैं दिखाती रहती हूं। तो आज मेरे घर के मतलब कुछ किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं वहां पे आई हूं। तो ये बाहर का एरिया है मतलब बाय रोड अभी जा रहे हैं, ये बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है जंगल। तो ये जंगल स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोगों को कहीं इसमें कोई जंगली जानवर दिखे तो खुश हो जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो मैं ना माइक लेके आई हूँ ना अपना ट्राइपॉड लेके आई हूँ, बस हाथ में ही मोबाइल लेके मैं शूट कर रही हूँ। ये देखिए, ये है ना पक्षियों वगैरह का, एक्चुअली ये चिड़ियों का ही उद्यान है। तो देखते हैं ये खुला है कि नहीं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं आई हूँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क और देख सकते हैं कुछ ऐसा है, सामने रोड है और ये है मेन एंट्री। मेरी आवाज़ शायद से आप लोगों को नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं ज़ोर से बोल नहीं पाती हूँ और माइक मेरे पास है नहीं। तो ये गेट है, यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, ये टिकट काउंटर है और यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये गेट पे इन्होंने बहुत अच्छा से सजावट किया हुआ है फ्लावर्स वगैरह का, देखिए कितने सुंदर फूल हैं ये। ये सारे इसी मौसम के फूल हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लाल पीले मेहरून सारे कलर के। और यहाँ पे भी लिखा है वेलकम टू राम सर साइट सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पार्क में जाने के लिए छोटा सा एक बैटरी वाला रिक्शा भी है, अगर आप जाना चाहें तो इस रिक्शे से भी टहल सकते हैं, है ना। यहाँ पे सारे जीप वगैरह हैं जो जंगल में राइड करने के लिए ले जाते हैं वो। तो मैं ना तो जीप ले रही हूँ ना रिक्शा ले रही हूँ, बस जितना हो सकता है उतना टहल के आ जाऊँगी। हाँ, और बहुत सारे लोग वीडियोग्राफी करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है तो लोगों को इस टाइम पे चिड़ियों की आवाज़ भी अच्छी। और आप लोग सिर्फ आवाज़ सुनिएगा, मैं थोड़ा कम बोलूँगी। बता दूँ कि देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ हैं, बत्तख है मेरे ख्याल में या पानी का कोई चिड़िया होगा, है ना। नाम अगर लिखा होगा तो मैं आपको बता।
ये रहता है, ये कुछ लिखा हुआ है ऊपर लेकिन पता नहीं चल रहा। तो ये चिड़ियाँ इस एरिया में रहती हैं। चलिए देखते हैं। वही लोग धूप सीख रहे हैं। वो देखिए ये जो थोड़ा सा ऊंचा जगह है ना उस पे बैठे हुए हैं। दिख रहा है क्या आप लोगों को? और ये पूरा पानी है काफ़ी दूर तक है। यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ से पार्क है और बीच में पानी का एरिया है, तभी यहाँ पे सारी चिड़ियाँ आकर के ना मज़े करती हैं। चलिए वो देखिए देखिए क्या है, देखा आप लोगों ने? मछली उड़ा होगा ना, तो मछली मछली जो यहाँ से मैं थोड़ा सा पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी तो कुछ हुआ था जो इतना बढ़िया सीन था ना कि मैं क्या बताऊँ, पर वो मिस हो गया मेरे से। यहाँ पे सांप भी रहता होगा। याद किया और पता नहीं आ जाए। तो अभी चलते चलते ये देखिए कितनी दूर में है। अभी हम लोग उधर से आए हैं और ये पूरा तालाब का एरिया है और इसमें इतने बढ़िया बढ़िया चिड़ियाँ सब हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए ओ वाह, यहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं वो ये है, रूडी सल्डक विंटर विजिटर माइग्रेट। ये माइग्रेट होके आती हैं कहीं से। पूरी तरह से तुम नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मेरी आँख इतनी तेज़ नहीं है। ये वाले फ्लेमिंगो, लेजर फ्लेमिंगो है ना। ये देखिए काली गाय है जो कि अभी अभी मेरे सामने से गुजरी है। काफ़ी सारी गाय है यहाँ पे, थोड़ा सा हाँ उसका बच्चा लाल, पर कितने भूरे रंग की है, लाल नहीं है भूरे रंग की है। तो यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखा रही हूँ। ये दूर में देखिए ये देखिए ये सारे बैठे हुए हैं। वहाँ पे नाम लिखा हुआ था पीछे, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंगनी जल मुर्गी मतलब। तो चलिए देखते हैं, इधर से रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, चल के देखते हैं कैसा है। ब्रिंजल नॉर्दर्न पिनटेल, और पानी ना यहाँ यहाँ तक है, मतलब देखिए ये ज़मीन है और यहाँ तक पानी है, ये सारा पानी है और इसी पानी में ये लोग मस्ती कर रहे हैं। कहीं से भी कुछ भी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर एक हट जैसा बना हुआ है और इधर सारे में ना पानी है और इनमें चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। तो चलते हैं इस हट को भी थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा है। है तो कुछ नहीं, बस ये खाली जैसा है, हो सकता है लोगों के फ़ोटोग्राफी के लिए बनाया गया होगा, मस्त फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, वो जो पेड़ है ना उन सभी पेड़ पे जो फ्लेमिंगो है ना वो बैठी हुई हैं पूरे पेड़ पे, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिख रहा होगा है ना। और हाँ, और यहाँ दूर में ना देख सकते हैं वो एक जानवर है, वो कौन सा जानवर ये तो नहीं पता चल रहा मुझे, पर कैसे पानी के बीच में जाकर के वो बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए छोटा सा बतख कैसे टहल करके जा, वो डुबकी लगा लिया उसने, जा रहे हैं चिड़िया को देखने के लिए। और छोटा सा मोबाइल से वो भी अपना से रिकॉर्ड कर रहा है।
और मेरे हस्बैंड ना किसी पेड़ की छाल लेके आए हैं, तो ये कह रहे हैं ये कत्था है। तो आप लोग बताइएगा ये कत्था ही है या कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन पेड़ ऐसे ही लग रहे हैं। हो सकता है, मुझे पता, ये पेड़ों के ना डाल पे देखो क्या लगाया हुआ है, मकड़े ने शायद जाला लगाया हुआ है, मकड़ी का ही जो पुराना हो चुका है। और मुझे मुझे चलते चलते ना ये दो मोर के पंख मिले, ये देखिए ये रास्ते पे ही पड़े हुए थे तो मैंने उठा लिया है। पता नहीं इसको उठाना चाहिए कि नहीं, अगर गेट पे मना करेंगे तो दे दूँगी, या नहीं तो फिर घर लेके चली जाऊँगी, सजाने में काम आ जाएगा, है ना। कहते इसे छिपकली नहीं आती है घर में। फिर घर पहुँचे और घर पहुँच के थोड़ी मतलब लेट हो चुका था, 12-1 बज गए थे, तो मैंने सोचा चलिए पहले फटाफट खाना बनाऊँ, क्योंकि लंच हम बना के नहीं गए थे और भूख भी लग रही थी। वैसे हम नाश्ता करके आए थे, वहीं पे एक कैंटीन था तो बहुत अच्छा नाश्ता मिल रहा था, पराठे वराठे भी थे, चाय वगैरह सब कुछ था। तो मैं आते ही पहले बालों में मेहंदी लगाई और साथ में मतलब सब्जी और चावल चढ़ा दिया और हल्का सा खाना बनाएंगे। संडे वनडे को मैं कुछ इसी तरीके से खाना बनाती हूँ, जब थोड़ा सा मन नहीं रहता इतना, तो बस कढ़ाई में आलू गोभी की सब्ज़ी जो आजकल की फेवरेट है, चावल और दाल। तो लेट हो चुका था तो इसीलिए हल्का फुल्का खाना बनाने के लिए मैं आ गई। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी अगर आपको पसंद आएगा तो। तो मैं कहीं अगर जाती हूँ तो शूट करूँगी। अगर आज की वीडियो में आपको बोरिंग सा लग रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बीच में डाल दिया, क्योंकि मैं गई थी और काफ़ी सारा मैंने वीडियो लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और अब मैंने जो सुबह मैंने जो घर की सफाई करी थी ना, तो उसकी उसको धो के चली गई थी, तो अब उसे कपड़े से पोंछ के और उसको सेट करके रख दिया। और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि क्या हुआ ना कि हम पार्क जो गए थे ना तो बिना नहाए ही गए थे और वहाँ पे धूल मिट्टी भी थी, धूल ही धूल था, तो बस इसीलिए आकर के सारा काम करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए गई। तो फिर अब मैं खाना बनाने के लिए आ ही गई हूँ, मतलब चढ़ा रखा है बीच बीच में, और भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, बाय बाय, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने लिए अपनी खुशी को ज़िंदा रखिए, क्योंकि उम्र का तो चलिए आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि उम्र है तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं घर में और आप ऐसे अपने आप को होपलेस समझते हैं तो थोड़ा बहुत आप बाहर जाइए, सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं।